नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 16 अगस्त से 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आपको बताएंगे लॉकडाउन को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर और राज्य सरकार ने क्या कहा है अपनी गाइडलाइन में, यह भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। और जो राज्य सरकार का लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला है वो आपको कैसा लगा, यानी कि आपकी क्या राय है लॉकडाउन के ऊपर? क्या लॉकडाउन को सख्त कर देना सही है या फिर लॉकडाउन में ढील ढाल ही देकर रखनी चाहिए? जो भी लगता हो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बिहार राज्य से आ रही यह बड़ी खबर। तो बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब लॉकडाउन 17 अगस्त से 6 सितंबर तक रहने वाला है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने राज्य में 30 जुलाई से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू किया था, लेकिन उसके बाद आज बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें 16 अगस्त ही का लास्ट दिन था इस लॉकडाउन का, लेकिन आज 17 अगस्त ही सुबह बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया कि अब लॉकडाउन को 17 अगस्त से 6 सितंबर तक बढ़ा दिया जाता है। आपको बता दें अब लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी चीजें खुली रहने वाली है और कौन कौन सी चीजें बंद रहने वाली है। तो बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं टैक्सी ऑटो पहले की तरह चलेंगे, लेकिन बस सेवा बंद रहेगी। परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेगी। लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। धार्मिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक मनोरंजन और खेल कूद समेत तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजन बंद ही रहने वाले। स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान प्रशिक्षण और अनुसंधान और ऐसे अनुसंधान जहां पर प्रशिक्षण होता हो और ऐसे संस्थान और भी बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार में शॉपिंग मॉल अभी फिलहाल नहीं खुलेंगे। धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्टोरेंट को भी सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकारी और निजी ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की मंजूरी है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अनलॉक 3 में छूट दी गई है। बैंकों आईटी और संबंधित सेवाओं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट दूर संचार ई कॉमर्स पेट्रोल पंप आदि को छूट दी गई है। इसके साथ ही व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। खाद्य किराना और कृषि समेत जरूरी दुकानें भी खुलेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों को पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार से बिहार सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन है 17 अगस्त से 6 सितंबर तक की। जैसा कि आपको पता है कि अनलॉक 3 चल रहा है, कई सारी चीजें खोल दी गई है, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार लगातार लॉकडाउन पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जा रही है और अब 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन को कर दिया है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी थी लॉकडाउन को लेकर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं एक और नई बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।